गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिद्धि हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अब बच्चों, दूसरी क्लास के बच्चों के लिए यहाँ पे हमारे ऑनलाइन क्लास अब से शुरू हो गए हैं। बच्चों, आपको याद होगा आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हिंदी विषय में पहला पार्ट। आपको याद होगा बच्चों, जब स्कूल शुरू हुई थी तब हमने ये पहला पार्ट पढ़ा था, उसका हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा ये जो लेसन है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है NCERT, है ना। देखो हमारी हिंदी की किताब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, कक्षा कौन सी, दूसरी क्लास यहाँ पे है ना। हमारा पार्ट कौन सा है, पहला लेसन है। पहला लेसन हमारा कौन सा है, कविता है। क्या है हमारा पहला लेसन, कविता है। कौन सी कविता है ये, वो हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, ऊँट चला, है ना, ये ऊँट चला हमारा काव्य जो हमने स्कूल जब खुली हुई थी तब हमने पढ़ा था। आज हम इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलो, ऊँट का चित्र आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, है ना। देखो यहाँ पे ये ऊँट है, ऊँट की गर्दन देखो यहाँ पे कैसी है, ऊँट की गर्दन ये देखिए लंबी है ना ऊँट की गर्दन। उसके बाद यहाँ पे ऊँट की पीठ देखो, ये भी ऊँची है कि नहीं ऊँची, है ना। तो यहाँ पे बच्चों ये जो सब है, ऊँट के पैर भी कितने लंबे लंबे होते, उसकी गर्दन लंबी होती है, उसकी पीठ लंबी होती है। उसकी पीठ के ऊपर देखो बच्चों, उसने क्या यहाँ पे लगा के रखा है, बोझ उठा के रखा है। ये मैंने यहाँ पे देखी, ये निशान लगाया है ना, उसने बोझा उठा के रखा है ना। तो मतलब बच्चों, इस चित्र से हमें इतना तो पता पड़ता है कि ऊँट का उपयोग यहाँ पे हम बोझा उठाने के लिए करते हैं, सही बात है ना। हमारा पहला काव्य भी यही है, ऊँट चला। अब यहाँ पे बच्चों देखो, हमारा ये कविता है, ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। सबसे पहले कौन सी लाइन हम पढ़ेंगे, ये वाली, ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। मतलब यहाँ पे ऊँट कैसे चल रहा है, धीमे धीमे। और बच्चों जब ऊँट चलता है ना तो वो हिलता डुलता है, आपने देखा होगा है ना, यहाँ वहाँ थोड़ा होता है, वो कितना लंबा होता है, उसकी पीठ कैसी ऊपर नीचे होती है, उसकी गर्दन ऊपर नीचे होती है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से। अब यहाँ पे दूसरी लाइन में देखो बच्चों, यहाँ पे दूसरी लाइन का दिया हुआ है, दूसरी लाइन का हम देखते हैं। दूसरी लाइन में क्या लिखा, इतना ऊंचा ऊँट चला। देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है ऊँट, इतना ऊंचा, बहुत ऊंचा होता है ऊँट, है ना। ऊँट चला भाई ऊँट चला, आपकी ये देखिए किताब का ही ये चित्र है, यहाँ पे ऊँट चल रहा है, धीमी धीमी गति से चल रहा है, बहुत ऊंचा है ऊँट। अब हम तीसरी पंक्ति को देखेंगे, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, है ना, पीठ उठाए ऊँट चला। मतलब यहाँ पे ऊँट की गर्दन ऊंची होती है ना, मैंने आपको दिखाई थी, यहाँ पे भी देखो, वापस मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से है ना, ये इसकी गर्दन है, उसकी गर्दन ऊंची होती है, उसकी पीठ पीछे देखो है ना, उसकी पीठ कितनी ऊंची है, गोल इस तरह से। तो बिल्कुल उसी प्रकार से ऊँट की गर्दन ऊंची होती है और ऊँट की पीठ ऊंची होती है। अब यहाँ पे आगे, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बालू, बालू का मतलब क्या होता है बच्चों, स्कूल में जब आप आए थे, जब हम ऑफलाइन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था ना, बालू का मतलब होता है यहाँ पे रेत। ऊँट रेत में बहुत तेज गति से चलता है, उसको रेत में चलने में बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। दूसरी पंक्ति देखो यहाँ पे, नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। ऊँट जो है बच्चों, बालू यानी रेत, मैंने अभी आपको बताया ना, ऊँट
रेत में बिल्कुल नहीं फंसेगा, वो तो बहुत आसानी और सरलता से रेत में चलेगा और दौड़ेगा भी। तो ऊँट जो है वो बहुत ही सरलता से रेत में चल और दौड़ सकता है। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। अब वापस बताया गया है, जैसे हम लोग कैसे बच्चे उदाहरण के तौर पे बहुत काम करते हैं तो थक जाते हैं ना, कभी कभी चलते हैं दौड़ते हैं तो कैसे हम थक जाते हैं, तो बिल्कुल ये जानवर जो है ऊँट, ये भी बिल्कुल बहुत काम करता है, बहुत बोझा उठाता है तो ये भी थक जाता है बच्चों। तो वो भी थक कर क्या करने लगता है, आराम करने लगता है। यहाँ पे बताया गया है ना, देखो, जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। अगर ऊँट थक जाएगा तो किस ओर वो बैठेगा पता नहीं है, लेकिन ऊँट भी थक सकता है, वो भी बहुत बोझा उठाता है ना, इसके लिए वो भी थक के कभी कभी बैठ जाता है। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। कौन बता पाएगा कि ऊँट बहुत मतलब थक कर वो कहाँ पे बैठेगा, हमें थोड़ी ना पता है। इसके लिए बोला गया है, बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। मतलब यहाँ पे ऊँट रेगिस्तान में यानि बालू में बहुत सरलता से चल रहा है। अब यहाँ पे आगे, यहाँ पे हमारी कविता बच्चों ख़त्म होती है। अभ्यास में हमारा प्रश्न, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, बताया गया है ना, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ऊँट कितना ऊंचा, ये वाला प्रश्न देखिए, है ना, ऊँट कितना ऊंचा, मतलब यहाँ पे ऊँट कितना ऊंचा होता है, बहुत ऊंचा होता है। कितना ऊंचा होता है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो तीन ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पे उसके बारे में है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है, तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना, मतलब हमारा जो क्लास है आपकी दूसरी क्लास है उसकी जो दीवार है उतना ऊँट बड़ा है, या फिर हाथी जितना ऊँट बड़ा है, कि फिर बिजली के खंभे के जितना ऊँट बड़ा है। हमें इन तीनों में से कोई एक सही जवाब लिखना है। तो देखो यहाँ पे वाइट कलर का निशान लगाया है ना सही का, मतलब ऊँट कितना ऊँचा होता है बच्चों, हमारी कक्षा की दीवार जितना, है ना, इतना ऊंचा ऊँट होता है। अब यहाँ पे आगे दूसरा, चींटी कितनी छोटी होती है, ये प्रश्न हमारी किताब में दिए ही है जो मैंने आपको स्कूल में करवाए थे, लिखवाए थे, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे इसका रिवीजन कर रहे हैं और इसकी जो वर्कशीट है वो भी मैं आपको भिजवा दूँगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा दूसरा प्रश्न कौन सा है, चींटी कितनी छोटी, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। चींटी तो बहुत छोटी होती है, कितनी छोटी, ये तीन ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इसमें से सही ढूंढ के बताना है। चलो पहला क्या है, चीनी के दाने जितना, मतलब शक्कर का जो दाना होता है उतनी छोटी होती है चींटी। फिर दूसरे में क्या दिया गया है, चावल के दाने जितना, मतलब चावल का दाना होता है उतनी छोटी होती है चींटी। या फिर तीसरा, इलायची के दाने जितना, इलायची आपने देखी होगी कि जो उसका ऊपर का छिलका होता है उसको उतार के उसमें काले काले बीज होते हैं, है ना, हमारे घर में मम्मी जो होती है वो खीर में या फिर ऐसी कोई मीठी चीज़ बनाते हैं उसमें इलायची पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो चींटी इन तीनों में से कितनी छोटी है बच्चों, उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये हरे रंग का करके उसमें वाइट का निशान, सही का निशान किया गया है, मतलब चींटी कितनी छोटी होती है, चीनी के दाने जितनी, कितनी, चीनी के दाने जितनी, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे पढ़ते हैं, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ऊँट की गर्दन ऊंची होती है, उसकी पीठ भी काफ़ी ऊंची होती है ना। अब देखिए यहाँ पे हाथी, हाथी क्या उठा के चलता है वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाथी क्या उठा के चलता है, देखिए लकड़ी, फिर सवारी लेकर चलता है, फिर सामान। हाथी इतनी चीज़ें उठा सकता है, हमें सिर्फ तीन ही, दो या तीन चीज़ें बतानी है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हाथी जो होता है वो लकड़ी उठा के चलता है, सवारी लेकर जाता है और सामान उठाता है।
उसके बाद यहाँ पे टीचर, स्कूल में टीचर होते हैं ना, क्लास टीचर होते हैं, सब्जेक्ट टीचर होते हैं, अलग अलग बहुत सारे टीचर होते हैं। तो टीचर क्या उठाते हैं? बेत। ये बेत के बारे में बताया गया है, ठीक है। उनके हाथ में कभी कभी बेत होती है, या फिर कभी कभी आपने ज़्यादातर देखा होगा किताब, उनके हाथ में किताब होती है ना, कॉपी। आपको जो लिखने के लिए आपकी जो कॉपियाँ हैं, वो कॉपियाँ आपको लिखने के लिए देते हैं ना, वो कॉपी चेक नहीं करते हैं टीचर। तो टीचर के हाथ में इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर हमारे पिताजी यानी पापा, पापा क्या क्या चीज़ें उठा के चलते हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए बैग, हमारे पापा है वो कभी कभी बैग भी उठा लेते हैं, कभी हम बहुत छोटे होते तो हमको भी वो उठा लेते हैं, है ना। और सामान उठाते हैं, देखिए ये तीन चीज़ें यहाँ पे हो गई, पापा कभी कभी बैग, कभी कभी हमें भी उठा लेते हैं क्योंकि हम अभी बहुत छोटे हैं, और कभी कभी सामान भी उठा लेते हैं। उसके बाद शेर, शेर क्या उठा सकता है उसके बारे में, तो पहले में क्या लिखा है, शिकार। वो अपने झबड़े में जब उसको भूख लगती है तो वो किसी का शिकार करता है ना, तो अपना जो खाना होता है, शिकार होता है, उसको वो अपने मुंह में उठा के चलता है। फिर शावक, शावक यानी, शावक किसे कहते हैं पता है बच्चों? शेर का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, उसको शावक कहते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जानवर जो होते हैं उनके तो हाथ पैर नहीं होते हैं, तो वो कैसे मुंह के माध्यम से अपने बच्चों को उठाते हैं। तो शेर भी अपने बच्चों को यानि शावक उसको उठाते हैं। उसके बाद दादाजी, हमारे जो दादाजी होते हैं वो क्या उठाते हैं, तो सबसे पहले बताया गया है यहाँ पे क्या उठाते हैं, छड़ी है ना, उनके चलने की, पकड़ के चलने की छड़ी होती है वो। उसके बाद यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, पोते पोती को, मतलब हम जब छोटे होते हैं तो हमारा वज़न तो कम ही होता है, तो हमें उठा के चलते हैं। और तीसरा शब्द यहाँ पे बच्चों दिया गया है, ये रहा सामान, वो भी सामान उठा के चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो आगे वाला प्रश्न हमारा, किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ेंगे? ऊँट पे चढ़ने के लिए, बैठने के लिए, सवारी करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना चढ़ने के लिए, क्योंकि ऊँट तो काफ़ी ऊंचा होता है, उसकी पीठ कितनी ऊंची होती है। तो हम सीढ़ी, सीढ़ी के ऊपर चढ़ सकते हैं, या बड़े डिब्बे, ऐसे डिब्बे हो ना बड़े बड़े, उसके ऊपर हम पैर रख के ऊँट के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम यहाँ तक देखते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम दूसरा जो हमारा पार्ट है, बालू ने खेली फुटबॉल, उसका रिविज़न करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं, थैंक यू।